दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मूवी वर्ल्ड वाइड फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी है। यह 2009 में आई अवतार मूवी का सीक्वल है, इसलिए इस मूवी का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें यह मूवी वर्ल्ड वाइड 14 दिसंबर से रिलीज की जा रही है। 14 दिसंबर को इसे लगभग 15 देशों में रिलीज किया गया था और कल इसे 13 देशों में और आज इसे फिर से 14 देशों में रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों इसे वर्ल्ड वाइड 42 कंट्रीज में रिलीज किया गया है। इस मूवी को इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अलावा इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी रिलीज किया गया है। और आपको बता दें इस मूवी को इंडिया में 3D में 2D से ज्यादा बुकिंग मिली है और IMAX के इसके पहले एक हफ्ते के शो एडवांस में बुक हैं। दोस्तों इस मूवी की 3D में एडवांस बुकिंग 80% से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन 2D में इतना खास क्रेज देखने को नहीं मिल रहा। फिर भी इस मूवी के इंडिया में आज के कलेक्शन 45 से 50 करोड़ तक होने वाले हैं और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह $200 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर रही है। और दोस्तों आपको बता दे इस मूवी पर लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर का खर्च हुआ है और इसके सीक्वल 2024, 26 और 28 में रिलीज किए जाएंगे। दोस्तों इस मूवी के लीड में आपको सैम वर्डिक्टन, जोई सेल्डन और कैन विंसलैंड नजर आने वाली हैं। अगर यह मूवी इंडिया में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो यह हॉलीवुड की इंडिया में सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी और अगर यह वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $3 बिलियन का कलेक्शन करती है तो यह दुनिया में सबसे बड़ी मूवी कहलाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड एवेंजर द एंड गेम के नाम रजिस्टर्ड है। दोस्तों अगर आपने यह मूवी देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।